अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़करिया इकबाल है और जैसिका मेरी बेटी है। कत्थक जहाँ हाथ है वहाँ नज़र है, और जहाँ नज़र है वहाँ मन है। तो जब ये चीज़ें मिल जाती हैं तो आप उसमें खो जाते हो। मेरा नाम जैसिका है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और मेरी उम्र 16 साल है जी। पापा भी कथक डांस करते थे तो वो घर में प्रैक्टिस करते थे, उन्हें देखती रहती थी छुप छुप के। तो मुझे भी आ गया शौक, तो मैंने कहा मैंने भी करना है। तो पहले पापा ने बोला नहीं, फिर कुछ दिनों बाद बोला चलो कर लो स्टार्ट, फिर मैंने कर लिया। कुछ लोगों ने तो मुझे ऐसे ऐसे कमेंट भी किए, मुझे लग के हमें लगता है कि इसका बाप ही नहीं है कि बेटी को डांस सिखा रहा है। तो मैंने सब बातों को पीछे छोड़ते हुए, लोगों को इग्नोर करते हुए, मैंने कहा लोगों में बातें करनी है, ये मैंने पहले ही फैसला ले लिया था और मैंने अपना माइंड बना लिया था लोग बातें करेंगे तो मैंने इनकी बातों पे ध्यान नहीं देना। जब मैं और पापा डांस कर रहे होते हैं तो नहीं पता होता, मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि बाप और बेटी है, लेकिन जब अनाउंसमेंट होती है और फिर बताते हैं तो फिर सारे हैरान हो जाते हैं कि आपकी बेटी है। तो स्कूल में भी यही होता है कि पापा अक्सर देख के कहते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई है, तो फिर कहते नहीं नहीं मेरा पापा है, देखो ध्यान से। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा बेटा देखो हमारे माशरे के अंदर डांस को अच्छा नहीं समझा जाता। तो मैं लड़का होने के बावजूद बहुत सी मुश्किलों का मुझे फेस करना पड़ा, मुझे फेस करनी पड़ी। और फिर कहती पापा आप भी तो करते हैं ना, क्या है, मैं सीखना चाहती हूँ। तो फिर मैंने कुछ दिन सोचा, फिर मैंने फैसला लिया कि हम आर्टिस्ट हैं, अगर हम ही ऐसा करेंगे तो फिर दूसरे लोग क्या सोचेंगे। तो फिर मैंने कहा चलो बेटा आप सीखो, कोई बात मैं देख लूँगा। तो एक कथक एक बहुत सी आर्ट है, तो मेरा ख्याल सीखना चाहिए इसको। स्कूल में जब उन्हें पता चला तो हर इवेंट में जैसिका करवाएगी सब बच्चों को जैसिका ही करवाएगी, जैसिका किधर है उसको बुलाओ उसको बुलाओ, जैसिका को बुलाओ वही करवाएगी। तो फिर मैंने भी शौक में करवाना शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला मेरे लेक्चर मिस हो रहा है, लेकिन मैं चली जाती थी करवाने। तो फिर उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता और मतलब प्रोग्राम होने स्टार्ट हो गए, मैं स्कूल में करवाने लगी, सबको पता चल गया, सिस्टर को, टीचर्स को, प्रिंसिपल को, सबको पता चल गया। तो फिर उसके बाद जब भी कोई भी लेसन में नहीं किया तो वो कह देते डांस आता ये नहीं आता, डांस बड़ा आता ये नहीं आता। तो फिर उसके बाद मैंने बस मैंने कहा अब नहीं मैंने करवाना, मैंने डांस करवाना ही नहीं है स्कूल में। तो फिर मैंने वो कम कर दिया और ये मैं अपना प्रोफेशनल मैंने बना ली, मतलब अच्छे से इसको टाइम दिया। सबसे पहले तो यही बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि बेटी सीरियस भी नहीं होती, शौक भी था लेकिन फिर वो पापा भी था, फिर इसको बड़ा सीरियस मुझे इजी भी ले लेती थी, जब देखती थी अब ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही थी मुझे बहुत इजी ले लेती थी। तो मैं कहा बेटा देखिए आप अब इस चीज़ को भूल जाएं, आपने सीखना है, आपने मुझे कहा है, तो ये चीज़ पीछे छोड़ दें, इस वक्त मैं तुम्हारा सिर्फ टीचर हूँ, तो कोशिश करें मुझे यहाँ पे क्लास में टीचर समझा करें। शाही के लिए मैं परफॉर्मेंस देती हूँ, यहाँ पे अच्छी ऑडियंस आती है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं हमें देखने के लिए, बहुत खुशी होती है कि लाइक मुझे देखने आते हैं कि बाप और बेटी डांस करें, हमें उन्हें देखने जाना, तो अच्छा लगता है, सब देखने आते हैं और सब प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अच्छा लगता है। ये कहते हैं ना कि हमारे माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता, लोग बातें करते हैं, उनके पापा जो होते हैं, उनके जो डैड होते हैं, उनको इजाज़त नहीं देते, खासकर लड़कियों को, कि आपने डांस करना, आपने ये फील्ड में जाना है, सिंगिंग की फील्ड में या डांस करना है, बिल्कुल नहीं देते। तो फिर ये बात सुन के हैरान होता है कि बड़ी बात है कि तुम्हारे पापा तुम्हें सपोर्ट करें और उनके साथ तुम कर रही हो, काफ़ी बात है। हाँ मैं ये मेरे माइंड में होता है कि मेरी बेटी है, लेकिन जब हम परफॉर्म करते हैं मैं ये भूल जाता हूँ, मैं समझता हूँ मेरे सामने स्टूडेंट परफॉर्म कर रही है, तो मैं इसको कहता भी हूँ कि बेटा जब मेरे साथ कर रही हो तो भूल जाओ मैं तुम्हारा बाप हूँ, यही माइंड में रखो मेरा टीचर है और तुम मुझसे ज़्यादा अच्छा कोशिश करो, तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है और ये करती भी है। कथक बेसिक कथा है, कहानी है, मूवमेंट इसकी मुख्तलिफ हस्तक है, जैसे हम ये हस्तक करते हैं, ये करते हैं और ये करते हैं। और मैं समझता हूँ कथक जहाँ हाथ है वहाँ नज़र है, और जहाँ नज़र है वहाँ मन है। तो जब ये चीज़ें मिल जाती हैं तो आप उसमें खो जाते हो। मुझे तो शुरू से शौक था घुंघरू पहनने का, मैं जब पापा पहनते थे, मैं पापा चले जाते थे तो उनके चोरी करके पहनती थी और देखती थी क्या सीन क्या होता है,
जब हाथ पाँव में बनते हैं तो वजनी है ना, पाँव में जब बांधते हैं तो कैसा फील होता है, तो पता शुरू से बांधती ही थी चोरी, तो इसलिए मुझे ना अच्छा लगता है। ये हमारे एक डांस का हिस्सा है, इसके बगैर कथक नहीं है। माँ मेरी आगे से मेरा ड्रीम ये है कि मैं इस आर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊँ, फैलाऊँ इस आर्ट को, और दुनिया भर में बताऊँ कि हमारे पाकिस्तान में भी टैलेंट है, तो लाइक सबको जो न्यू जनरेशन आ रही है उन्हें सिखाऊँ, और खुद भी साथ सीखूँ और उन्हें भी सिखाऊँ, और फिर आउट ऑफ कंट्री जाके परफॉर्म करूँ और बताऊँ हमारे पाकिस्तान में भी टैलेंट है, इधर भी कुछ है, हमें इजी ना लो। बिल्कुल ऐसे ही है, हिंदुस्तान में और दूसरे मुल्कों में आर्ट को बहुत अच्छा समझा जाता है, यहाँ पे भी है, लेकिन पाकिस्तान में इतना नहीं, आर्ट को इतने अच्छे तरीके से नहीं देखते, अच्छी नज़रों से भी नहीं लोग देखते, और ऐसा भी नहीं है कि सब लोग ऐसे हैं, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे पसंद भी करते हैं, अगर हम यहाँ परफॉर्म करते हैं लोग लाइक करते हैं, देखने आते हैं ना, तो इस तरह। और मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने चाइना में 2 मरतबा परफॉर्म किया है, तो मैं चाहता हूँ अब मैं अपनी बेटी को वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊँ, ताकि हम पाकिस्तान के लिए कुछ और कर सकें, बता सकें कि हमारे पाकिस्तान के अंदर भी आर्ट है, हम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हम सपोर्ट चाहते हैं।